हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एडसम सॉल्यूशन की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अब तक हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस, बर्नौली इक्वेशन पढ़ ली थी, क्लॉरियस इक्वेशन भी पढ़ ली थी। आज देखते हैं, देखो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी विल फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए एग्जैक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। उस कंडीशन में कैसे सॉल्यूशन होंगे वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ एम, जो कि एक्स और वाई में फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसके साथ क्या, डी एक्स, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एन भी जो होगा वो किस में होगा, एक्स वाई का फंक्शन होगा, और डी वाई इज ज़ीरो। अगर इस तरह की कोई फॉर्म होती है तो इसको बोला जाता है एग्जैक्ट, इसको क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन होती है, एग्जैक्ट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है ना। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो हो, उसके सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किए जाते हैं वो हमको फाइंड करना है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, पहले तो ये देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी एक तरह से क्या होती है, थ्योरम होती है, ठीक है ना। तो टू बी एग्जैक्ट होने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, डेल एम अपॉन डेल वाई। वो एम डी एक्स है ना, तो एम का वाई के रेस्पेक्ट में करना है, एन डी वाई है तो एक्स के साथ में करना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट होने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ठीक है ना। अगर ये इस तरीके से कुछ रहता है सिस्टम हमारा, तो मेथड ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस फॉर्म में मिल जाए लेकिन वो एग्जैक्ट हो, तब ये अप्लाई नहीं होगा। तो एग्जैक्ट होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन होनी सेटिस्फाई ज़रूरी है। उसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद में वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन। लेकिन कौन से टर्म्स होने चाहिए एन के, जिसमें एक्स ना हो, नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है ना। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या होगा, एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन होती है, मतलब इसके सॉल्यूशन ये होते हैं। लेकिन एन जो होगा वो क्या होगा, ऐसे एन के टर्म्स जिसमें क्या ना हो, एक्स ना हो, उस कंडीशन में ये रहती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरीके से एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन इस तरह से किए जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं किस तरह से इसके सॉल्यूशन किए जाते हैं। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करना है, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू टू डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसको हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन है किस ऑर्डर में, ये देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये पता है आपको, दिख जाएगा अपने आप, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस पर भी डिपेंड करती हैं सब चीज़ें, है ना। एक प्रॉब्लम और आ रही थी सब लोगों के लिए कि अगर मान के चलो, देखो बाई मिस्ट अगर कोई किसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है बाई चांस, है ना, और वो गलती इस तरीके की है कि जिसको आप टाइप नहीं कर पा रहे हो या उसको इक्वेशन को नहीं लिख पा रहे हो, लिटिल कॉम्प्लेक्स है रिटन में, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप उन जिस जगह आप वो देख रहे हो वीडियो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एडिट करके उसमें जो सर्कल बना देते हो आप, वैसे सर्कल बना दो कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और उसको आप जीमेल पे सेंड कर दो। जीमेल की आईडी मैंने इसीलिए दी है जिससे कि क्या है, आपके कोई डाउट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो वो आप मेरे को वहाँ पर सेंड कर सको। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है किसी क्वेश्चन में जिसको आप टाइप करने लायक है वो इक्वेशन, तो आप वहाँ कर दो, क्लियर। देखो अब इसको सॉल्व करना है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो एम हो जाएगा यहाँ से एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। एन क्या हो जाएगा यहाँ से, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ एन जिसमें नॉन कंटेनिंग ऑफ एक्स टर्म्स, देन डी वाई इक्वल टू जीरो। लेकिन वो तब अप्लाई होगा जब हमको ये पता हो कि एक इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तब आप उस सॉल्यूशन को नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो चेक करते हैं एग्जैक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जैक्ट
एग्जैक्ट होने के लिए क्या है कंडीशन, डेल एम अपॉन एक्स के साथ है तो डेल वाई हो जाएगा और एन के साथ है तो डेल एक्स हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ठीक, तो देखते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो एक्स का जीरो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6xy हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6xy, ये जीरो वाई का करना है तो सिर्फ एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो कितना हो जाएगा 6xy हो जाएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इसके बाद ये क्या निकाला है हमने, डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला है। ठीक, अब निकालते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, और डेल एन अपॉन डेल एक्स ये तो जीरो हो जाएगा, इसके लिए वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि पार्शियल है तो 3 to 6xy यानी कि बोथ आर इक्वल, तो ये क्या जाएंगे एग्जैक्ट हो जाएंगे। अगर ये एग्जैक्ट हैं देन वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन विल बी एम डी एक्स प्लस एन ऑफ नॉन एक्स डी वाई इसका टू जीरो हो जाएगा, ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एम, एम क्या है आपके पास में, ये रहा एक्स क्यू प्लस 3xy2। ठीक है, और डी एक्स प्लस एन के वो टर्म जिसमें एक्स ना हो, तो एन के टर्म में इसमें एक्स है ये तो नहीं लेंगे हम, वाई क्यू हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, क्या हो जाएगा वाई क्यू इज टू डी वाई हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका कर दो आप सिंपली इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यू क्या हो जाएगा x4y4 प्लस डी एक्स यानी कि क्या हो जाएगा 3x2y2 इंटू वाई स्क्वायर, सही है x के टर्म में करना है ना इंटीग्रेशन, तो x2y2 हो जाएगा। x की पावर कितनी है 1 प्लस 1 अपॉन 2। जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं बिल्कुल भी तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इस पर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो कितना मिल गया यहाँ तक ही मिल गया। इसके बाद प्लस y क्या जाएगा 4 हो जाएगा इसमें, y 4x4 हो जाएगा। ठीक, और कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको अगर लिखना हो अरेंज करके तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये लिख सकते हैं x4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 6x2y2 प्लस 4y4 इक्वल टू सी, दिस विल बी आंसर। आई थिंक इस मेथड में इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट का। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जो फॉर्म होती है ना वो क्या होती है, एग्जैक्ट होने के लिए उसके लिए चेकिंग होती है डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन अपन डेल एक्स करके, है ना, जब वो इक्वल होते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्ट है। बट अगर इक्वेशन की फॉर्म तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वल टू जीरो की फॉर्म हो बट वो एग्जैक्ट ना हो यानी कि जो कंडीशन हो वो सेटिस्फाई ना हो, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं, जरूरी थोड़ा ना वो इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पे एग्जैक्ट बनाते हैं। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या कंडीशन है देखते हैं। देखो सबसे पहले इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो हो जाएगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये फॉर्म होगी इक्वेशन की। ठीक है, देखो तो इस तरीके की इक्वेशन जो होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट होती है, लेकिन एग्जैक्ट तब होती है जब वो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, लेकिन वहाँ अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो तब क्या करते हैं, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं चेक करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन। ठीक है ना, अगर ये फंक्शन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, अगर ये फंक्शन ये जो कंप्लीट टर्म हो ये कब चेक करना है, जब वो सेटिस्फाई ना हो एग्जैक्ट वाली तभी इसको चेक करेंगे। तो ये अगर एक्स का ये फंक्शन होता है देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो ये फैक्टर क्या होते हैं जो मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से चीज़ें सेम बन जाए। ठीक है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको फाइंड करना हमारा मेन टारगेट रहेगा एग्जैक्ट बनाने के लिए। उसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको निकालो, अगर ये x में आता है तो ई एफ एक्स डी एक्स का हो जाएगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ डेल एम की जगह लग दो डेल एन, यही तो आप चेक करते थे पहले, इसको इक्वली तो करते थे एग्जैक्ट होने के लिए, तो बस अब एग्जैक्ट ना करके ये वाला टर्म निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, डेल एम की जगह एन और डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई और नीचे जाएगा एम।
ठीक है ना। अगर ये फंक्शन हो किसका, बी अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ वाई ओनली, अगर ये किस में फंक्शन हो, वाई में ही हो ओनली, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर एफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है ना, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये इसकी कंप्लीट थ्योरम है, ठीक है ना, इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वही है। अब आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं और समझ। अब ये क्वेश्चन है, ट्वाइस ऑफ साइन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई कॉस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ टू इक्वल टू रूट पाई बाई टू, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आप एक चीज़, सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखेगी वो क्या दिखेगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म है, करेक्ट। फिर इसके बाद क्या चेक करना है, आपको पता है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सबसे बेसिक प्रोसेस तो यही है, वैसे ही कर रहा हूँ मैं इसको, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यही तो चेक करना है हमको। देखो एम क्या था यहाँ पे, एम है ये वाला ट्वाइस ऑफ साइन वाई स्क्वायर, एन क्या है यहाँ पे, एन हो जाएगा एक्स ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें हमको मिल गई। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लो, यानी वाई के रेस्पेक्ट में करना है सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, देखो टू इंटू साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई स्क्वायर, सही है, क्या जाएगा टू ऑफ कॉस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ तक हो गया, इन टू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा, क्लियर। यानी कि यहाँ से क्या मिल गया, ये टू टू से कितना हो गया, फोर वाई कॉस ऑफ वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई, डेल एम अपॉन डेल वाई की मिल गई, इज इक्वल टू, अब निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी कि बाकी के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट, डेल एन अपॉन डेल एक्स। देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वन हो गया, बाकी कॉन्स्टेंट, यानी क्या मिल जाएगा, ओनली y ऑफ cos ऑफ y स्क्वायर, ये मिल जाएगा y ऑफ cos ऑफ y स्क्वायर। क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, है कि नहीं है, नहीं है, यानी कि वी देन वी कैन से डेल एन अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, बट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसको एग्जैक्ट बनाना है, क्या करना है, एग्जैक्ट बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली जो कंडीशन मैंने लिखाई थी वो पहली कंडीशन हमको फाइंड करनी है, ये तभी करनी है जब ये इक्वल ना है तब, ठीक है। और वो पहली इक्वेशन क्या थी, ये फाइंड करो डेल एम अपॉन डेल वाई, देखो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको बस माइनस करना है, सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि कह सकता हूँ इसको माइनस करना, देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ पहले एक बार, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन, ये फाइंड करना है हमको, ठीक है ना। तो देखो डेल एम अपॉन क्या निकलना है, डेल वाई, यानी ये फोर वाई कॉस ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस वाई ऑफ कॉस ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, ये माइनस कर लिया सिंपली। और नीचे क्या आ जाएगा, एन, एन क्या है आपके पास, एन है ये एक्स वाई कॉस ऑफ वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सारा मैंने फाइंड कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या रहा है, देखो फोर वाई कॉस वाई स्क्वायर माइनस एक वाई वाई, एक वाई कॉस वाई स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, थ्री वाई कॉस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाई कॉस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो वाई कॉस वाई स्क्वायर से वाई ऑफ कॉस वाई स्क्वायर, यानी बचेगा कितना, सिर्फ थ्री वाई एक्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आएगा कंसेप्ट, यानी कि इसको जब मैंने फाइंड किया तो फाइंड करने से मेरे को पता चलता है कि दिस फंक्शन इज ओनली इन द फंक्शन ऑफ एक्स। देखो अगर बी अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, अगर ऐसा होता है तो, अगर ये एक्स वाई में मिक्सचर आता तो तब इसको हम यहीं छोड़ देते, फिर इसको नेक्स्ट ये वाला फाइंड करते। और कन्फर्म बात यह है इनमें से एक चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट बनाने के लिए एक ही चीज़ की कमी होती है बस, तो वो इन दोनों में से एक से पूर्ति उसकी हो जाती है। अगर वाई का फंक्शन होता तो इसके लिए ये वाली कंडीशन देख लेते, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हो आपकी एक्स में है, ओनली एक्स में ये कंडीशन है, तो इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे अब क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एम इज इन एक्स ओनली, अगर ये एक्स ओनली में है देन वी कैन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ए की पावर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब ए की पावर एफ एक्स क्या है आपके पास में,
एफ एक्स वही होता है जो ये निकल के आ रहा है 3 y x, ठीक है ना। एफ एक्स मतलब समझ में क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन आ रहा है वही है, ओनली 3x into dx हो जाएगा ये। बोलो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ई तो 3 तो बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, lnx हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब ई क्या हो जाएगा, ये ई एल एन 1/x क्या होता है, lnx। तो l ऊपर ले जाएगा या 3 को ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, lnx की हो जाएगा। ई एल एन कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली x की हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, एक्स क्यू निकल के आ रहा है, ठीक। अब क्या करना है, इसके बाद में इस इंटीग्रेशन फैक्टर का जो होता है वो मल्टीप्लाई कर देना है आपको। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है जो आपको इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की इक्वेशन जो है वो क्या थी वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ साइन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई कॉस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इजक्ल टू जीरो, ये दी हुई है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल का आया है, एक्स क्यू, इसको एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यू साइन ऑफ वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा, डी डी एक्स हो जाएगा, प्लस सिंपली एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा, एक्स फोर हो जाएगा ये, और ये वाई हो जाएगा, एक्स कॉस ऑफ वाई स्क्वायर और डी वाई हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 100% एग्जैक्ट आएगा। डेल एम वन अपॉन डेल वाई इजकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स करोगे तो इक्वल आएगा, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, सॉल्यूशन होगा एम ऑफ डी एक्स प्लस एन ऑफ नॉन एक्स वाले जो टर्म होंगे वो इंटू डी वाई इजकल टू जीरो, ये सीधा सीधा इसका आंसर आना है, ठीक है ना। यही तो होता है इसका सॉल्यूशन। अब एम क्या है, यहाँ पर एम था आपका एम डी एक्स, यानी ये हो जाएगा सिंपली डी एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यू साइन ऑफ वाई स्क्वायर, क्लियर, इंटू डी एक्स प्लस एन के वो टर्म जिसमें एक्स ना हो। ऐसा कोई टर्म है क्या एन का जिसमें एक्स ना हो, एक्स है तो वाई है, नॉन एक्स वाला कोई टर्म नहीं है, इसमें वाई साथ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, जीरो इंटू डी वाई ले लेंगे। एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको नहीं मिलता है एक्स तो क्या ले सकते हो, जीरो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, देखो डी एक्स का टर्म है तो बाकी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स फोर बाई फोर हो जाएगा, तो टू से फोर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्लियर। दोबारा समझा देता हूँ एक बार, एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन किसमें, डी एक्स में, तो एक्स फोर बाई फोर, टू से फोर टू, एक्स एक्स फोर बाई टू, ठीक। और साइन ऑफ वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्लियर ना, तो डी एक्स खत्म। इसके बाद में ये जीरो वाले जो टर्म हो जाएंगे वो क्या जाएंगे, सी, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो बताओ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई थिंक ये चीज़ें कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेंथी नहीं है कोई, समझे लेंथी है। इक्वेशन को कितना भी छोटा किया जा सकता है, क्वेश्चन को किसी भी तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, ACF का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल उम्मीद करते हैं आने के लिए, ठीक है ना। कंसेप्ट आना चाहिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो ये मुश्किल से एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है। अगर मेरे से कोई कहे इसको करने के लिए तो मैं एक मिनट के अंदर इसको कर सकता हूँ, बिकॉज ड्यू टू प्रैक्टिस। आपको पता भी रहेगा कि कितनी जल्दी क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपको पता है कि एम क्या है, एन क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स, बिल्कुल भी जरा सा भी टाइम नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर तो मैं एक एक स्टेप समझाना पड़ता है, इसलिए मेरे को कम्प्लीटली लिखना पड़ता है। तो आई थिंक दिस जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आप मेरे को जीमेल कर सकते हो, एंड लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।